Good morning class, welcome to our e-learning class. Today we will start our new chapter MS Paint क्या होता है हम वो समझेंगे। जैसे कि हमने आपको आपके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था मोर अबाउट कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है हमने ये सब समझा था। आइए हम पेंट के बारे में समझते हैं। इट इज राहुल्स बेस्ट फ्रेंड मानव बर्थडे टुमारो। राहुल वॉन्ट्स टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिम। His mother tell him that he can make a beautiful card in MS Paint. She also tells him that there are many tools that can be used. It is also possible to save a drawing and print it out. A saved drawing can be reopened anytime and changes can be made to it. It means देखिए राहुल के बेस्ट फ्रेंड मानव को बर्थडे रहता है, ठीक। राहुल उसको एक ग्रीटिंग कार्ड देना चाहता है तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा आप MS Paint पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा आप कार्ड बना सकते हो, उस पर अट्रैक्टिव कलर्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ना स्टार्टिंग MS Paint को फर्स्टली हम कैसे स्टार्ट करेंगे आइए हम वो देखते हैं। एज इंस्ट्रक्टेड बाई हिज मदर राहुल स्टार्टेड पेंट। इट मीन्स राहुल की मम्मी उसे इंस्ट्रक्ट करती है, मीन्स बताती है कि आप कंप्यूटर से अपने पेंट कैसे ओपन कर सकते हो। ही क्लिक्स ऑन द सर्च बॉक्स ऑन द टैक्स बार। देखिए ये है हमारा सर्च बॉक्स। जब उसने पहले सर्च बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक, जब सर्च बॉक्स पे क्लिक किया तो उसके बाद उसने क्या लिखा, ही देन टाइप पेंट। मीन्स सर्च बॉक्स जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो नीचे सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिया रहता है, उसने क्या किया वहां पे पेंट लिखा। द पेंट ऑप्शन अपीयर्स ऑन द स्टार्ट मेन्यू। इट मीन्स जब उसने पेंट लिखा तो ये देखिए ये ऑप्शन उसके पास ओपन होके आए। जब उसके पास ये ऑप्शन ओपन होके आए तो ये देखिए ये हमें उसको पेंट मिला, ठीक। राहुल क्लिक ऑन पेंट, यहाँ पे उसने क्लिक किया। फिर द पेंट विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। इट हैज डिफरेंट पार्ट्स। राहुल मदर एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द MS Paint विंडो टू हिम। इट मीन्स जब उसने क्लिक किया तो उसने देखा कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे पेंट ओपन हो गया और राहुल की मम्मा उसको पेंट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझाती है। ना ये देखिए जब हमारा पेंट ओपन हो गया तो ऐसे वो स्क्रीन पे ओपन होके आया, ठीक। यहाँ से लेके हम यहाँ तक के पूरे एरिया को रिबन बोलते हैं। कि रिबन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कट कॉपी पेस्ट टूल सेट्स कलर ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं तो हम इसे रिबन बोलते हैं। ये आपको माने जैसे साइंटिस्ट ना, ये है हमारा मैक्सिमाइज बटन, सॉरी मिनिमाइज बटन। इट मीन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप पेंट से जो भी प्रोग्राम करोगे वो नीचे छोटा सा हो जाएगा। मैक्सिमाइज मीन्स होता है ये देखिए ये जो डब्बे जैसा आपको दिखता है ये है हमारा मैक्सिमाइज बटन। जब आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करोगे तो हमारा पेंट फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। ये आपको कट जैसा साइन दिखता है वो है हमारा क्लोज साइन। इट मीन्स आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप पेंट से जो भी वर्क कर रहे हो वो बंद हो जाएगा। और ये देखिए जब हम पेंट ओपन करते हैं तो ये वाइट वाइट से जो दिखता है ना उसे हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें वहां पे पेंट करना है। आइए हम इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। देखिए रिबन, रिबन क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल द टैब्स एंड कमांड दैट आर यूज टू ड्रॉ एंड पेंट। टैब्स आर द बटन दैट कंटेन डिफरेंट सेट्स ऑफ रिलेटिव कमांड्स। कमांड्स आर यूज टू परफॉर्म सिग्निफिकेंट टास्क। इट मीन्स देखिए हमारे रिबन में, देखिए ये जो हमारा रिबन था इसमें टैप कमांड ये सब थे, क्योंकि इसमें सारे कलर्स सबके ऑप्शन आते हैं। तो आप रिबन, रिबन में जितने भी ऑप्शन होते हैं आप उसकी हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट यूजेस आप अपनी पेंट पे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉइंग एरिया। ड्रॉइंग एरिया क्या होता है, इट इज द वाइट एरिया
when you draw using the tool means हमने जो आपको दिखाया ना, जब हम पेंट ओपन करते हैं ऊपर सारे टूल्स वगैरह के ऑप्शन दिखते हैं, नीचे जो व्हाइट व्हाइट सा होता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग एरिया, वहां पे हम अपना पेंट करते हैं। मैक्सिमाइज वर्किंग क्या होता है, दिस बटन इज यूज टू मैक्सिमाइज द पेंट विंडो। इन मीन्स हमने आपको जो दिखाया था जो माइनस जैसे साइन था उस पर जब आप क्लिक करोगे, इट मीन्स आप जब कंप्यूटर पर अपने कोई वर्क कर रहे हो, ठीक, आप चाहते हो कि हम पेंट क्लोज करके थोड़ी देर दूसरा वर्क कर ले, फिर हम फिर हमारे हम चाहते हैं कि हम दोबारा फिर अपने पेंट पे आके वो वर्क करें, तो आप जब इस बटन पर क्लिक करोगे, इट मीन ये है हमारा मैक्सिमम मिनिमाइज बटन, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा पेंट प्रोग्राम नीचे छोटा सा हो जाएगा। फिर मैक्सिमाइज बटन क्या होती है, दिस बटन इज यूज टू मैक्सिमाइज द पेंट विंडो, इट चेंज टू रीस्टोर डन बटन when you have maximized the windows, it means the ये maximize button क्या होती है, ये देखिए ये जो डब्बे जैसा बना वो हमने आपको अभी ऊपर दिखाया था पिक्चर में, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो हमारा जो पेंट विंडो, इतनी पेंट विंडो हमने छोटा सा मिनिमाइज कर दिया था, मैक्सिमाइज वो हमारे फुल स्क्रीन पे जब आप क्लिक करोगे नीचे बॉक्स जैसा जब वो बन जाता है, जब आप क्लिक करोगे तो वो छोटा सा ही शो करेगा, आप चाहते हो कि हम उसको अपने फुल स्क्रीन पे देखें, तो ये जो डब्बे जैसा साइन बना था वो था हमारा मैक्सिमाइज बटन, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो हमारे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा क्लोज बटन, क्लोज बटन क्या होता है, दिस बटन इज यूज टू क्लोज द पेंट प्रोग्राम, देयर इज अ फाइव बटन एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, इट हैज ऑप्शन टू चूज ओपन सेव एंड प्रिंट अ फाइल। Rahul mothers explained to him that after opening the window, the maximize button can be used to hide the, minimize button can be used to hide the window from the desktop. The maximize button is used to make the window appears in the full screen. It means close button का पहले मतलब क्या होता है, हम जो भी work कर रहे हैं हम उसे बंद कर सकते हैं, जब आप कट वाले जो हमने आपको ऑप्शन दिखाया था आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपना पेंट प्रोग्राम क्लोज करना चाहते हो कि नहीं, अगर आपको मतलब सेव करना है कि नहीं करना है तो हमें तो सेव करना है, जब आप इस पर क्लिक करोगे वो सेव डू नॉट सेव का ऑप्शन पूछेगा, आपको तो सेव करना है, तो सेव पे क्लिक करोगे तो वो हमारी फुल स्क्रीन पे शो करेगा। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा ड्राइंग अ शेप, इट मीन्स हम अपने ड्राइंग में कोई भी शेप्स बनाना चाहते हैं, मीन्स सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, राउंडेड रेक्टेंगल हम ये बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, आइए पहले हम सबसे पहले हम पढ़ते क्या लिखा है, राहुल मदर टेल हिम अबाउट द शेप ग्रुप, सी एक्सप्लेन टू हिम दैट ही कैन ड्रॉ वेरियस शेप्स सच एज लाइन, रेक्टेंगल, ऑबल, ट्रायंगल, राउंडेड ट्रायंगल, diamond and pentagon using the tools in the shapes group. Rahul wants to draw a star. He follows this step as told by his mother. Firstly, he clicks on the 5-point star shape in the shapes group. The star shape is selected. He then moves the mouse pointer over the white area drawing area. He clicks on and hold the left mouse button and then drag the mouse to draw the shape. After drawing the star, he realized the mouse button a star get drawn. It means देखिए राहुल की मम्मा उसे बताती है, कहती है बेटा आप इसको बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं, तो आप ऊपर जब देखोगे हमारा जब पेंट ओपन करोगे तो उसमें ऊपर हमारा ऑप्शन दिया रहेगा शेप ग्रुप, शेप ग्रुप में हम बहुत सारे शेप्स उसमें शेप्स दिए रहते हैं, तो उसमें से शेप सिलेक्ट करके अपने भी बना सकते हैं, जैसे कि हमें बनाना है 5-point star, ठीक, पहले तो हमारा माउस पॉइंटर शो करेगा एरो की तरह, जब आप माउस पॉइंटर माउस की हेल्प से लेके जाओगे इस पर क्लिक करोगे फिर वापस अपने ड्रॉइंग एरिया पे लेके आओगे तो आप देखोगे हमारा माउस पॉइंटर चेंज होके प्लस जैसे साइन में हो गया है, ठीक, जब आप उसको अपने ड्रॉइंग एरिया पे क्लिक करोगे और पकड़ के खींचोगे, ड्रैग मींस होता है खींचना, जब आप उसे खींचोगे तो आप देखोगे आपका स्टार वहां पे बड़ा सा बन गया है। देखिए नेक्स्ट, नाउ राहुल मदर tell him that with the selected shape he can do one or more of the following things. To change the outline style he can
click on the outline drop down button and select the desired line cell. It means देखिए आपने यहाँ पे rectangle बना लिया, यहाँ से select से save करके rectangle आपने बना लिया, आप चाहते हो कि ये outline का color change हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। ये देखिए सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, टू चेंज द फील स्टाइल ही कैन क्लिक ऑन फील एंड देन सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। इट मीन्स देखिए ऊपर ऑफलाइन का ऑप्शन दिया रहेगा, आप जब ऑफलाइन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास इतने जैसे ऑप्शन खुल जाएंगे। इट मीन्स आपको मार्कर मीन्स मोटा सा करना है, सॉलिड कलरफुल करना है, वाटर कलर में करना है तो आप वो कर सकते हो। फील पे क्लिक करोगे तो नो फील, सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, ये सब आप इसमें से भी सिलेक्ट करके अपने से कलर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे, टू चेंज द थिकनेस ऑफ द लाइन ही कैन क्लिक ऑन साइड एंड देन क्लोज द डिजायर्ड ऑप्शन। इट मीन्स आप जब शेप पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन खुल के आएंगे, हमें कौन सी लाइन बनानी है, पहले तो हमारी लाइन पतली सी रहेगी, हम चाहते हैं कि हम मोटी सी अपनी लाइन ड्रॉ करें, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारा माउस पॉइंटर चेंज होके प्लस जैसे साइन पे हो गया, तो आप अपने माउस की हेल्प से खींच के बड़ा कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, टू चेंज द कलर ऑफ द आउटलाइन ही कैन क्लिक ऑन कलर वन इन द कलर ग्रुप एंड सिलेक्ट द कलर ऑफ हिज चॉइस। टू चेंज द फील कलर ही कैन क्लिक ऑन कलर टू एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर। इट मीन्स आपका ये कलर है, ठीक, आप चाहते हो कि हम इसमें से अपना कलर चेंज करें, तो आप कलर वन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ऐसे कलर में इतने सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हम यहाँ से कलर पे अपने पसंदीदा कलर पे क्लिक करके हम अपने आउटलाइन मीन्स लाइन का हम अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या होता है, राहुल मदर शोज हिम द ब्रश टूल, शी एक्सप्लेन हिम टू हिम दैट द ब्रश टूल इज यूज टू ड्रॉ लाइंस और कर्व्स विद डिफरेंट इफेक्ट्स, शी शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश अवेलेबल इन पेंट। राहुल की मम्मा उसे बताती है कि बेटा इसमें ब्रश ऑप्शंस भी होते, ब्रश टूल भी होते, जिससे आप बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लाइंस कर्व्स ड्रॉ कर सकते हो। देखिए जब आप ब्रश पे क्लिक करोगे तो हमारे पास इतने सारे ब्रशेस के ऑप्शंस ओपन होके आएंगे। फर्स्ट इसे हमें क्रेयॉन पे मींस ऑयल ब्रश पे भी करना है, क्रेयॉन पे आप जब क्लिक करके करोगे, देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया ऑयल ब्रश का इसने यूज किया, फिर देखिए इसने अपना आउटलाइन किया, तो देखिए मोटा सा आया है ना, तो आप भी ऐसे ब्रश टूल की हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट ब्रशेस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे, सम मोर टूल्स इन एमएस पेंट। एमएस पेंट के कुछ और टूल्स के बारे में आइए हम समझते हैं। राहुल नाउ लर्न्स अबाउट डिफरेंट टूल्स इन पेंट, हिज मदर टेल हिम द फंक्शन ऑफ ईच टूल, ही ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ईच टूल इन हिज एक्सरसाइज बुक एंड लिस्ट देम अलोंग विद दिस फंक्शन। इट मीन्स राहुल की मम्मा, राहुल ने बहुत सारे डिफरेंट टूल्स देखे एम एस पेंट पे, वो अपनी मम्मा से पूछता है, उसकी मम्मा उसकी एक्सरसाइज बुक पे उसे ड्रॉ करती है, उसका नेम लिखती है, उसका क्या यूज है उसे वो समझाती है। आइए हम भी देखते हैं, ये देखिए ये उसकी मम्मा ने उसके लिए ड्रॉ किया। देखिए ये हमारे सारे टूल्स है, फर्स्ट टूल है हमारा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या होता है, टू ड्रॉ लाइक अ पेंसिल, इट मीन्स हमने शेप्स बनाया, कलर्स की हमने ये सब किए, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे उसमें हम खुद से कुछ बनाए, हम पेंसिल की हेल्प से कुछ बनाए। हमारे पास जब ड्राइंग की कॉपी रहती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पेंसिल इरेजर ये सब रहता है, हम उसकी हेल्प से अपना ड्रॉ करते हैं। तो आपको एमएस पेंट में भी आपको पेंसिल मिल जाएगा, टू ड्रॉ लाइक अ पेंसिल। इट मीन्स आप जब देखोगे ऊपर टूल्स ऑप्शन में पेंसिल इरेजर फिल विद कलर का ऑप्शन ये सब आपको दिया रहेगा, तो आप अपना जब माउस पॉइंटर लेके जाओगे पेंसिल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका माउस पॉइंटर चेंज होके पेंसिल के शेप पे बन गया। फिर आप उसको वापस ले आओगे अपने ड्रॉइंग एरिया पे, तो आप कुछ भी अपने ड्रॉइंग एरिया पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए ये स्क्वायर जैसा बना रहेगा, वो है हमारा इरेजर। इरेजर किस यूज में आता है, टू इरेज अ ड्रॉइंग और अ पार्ट ऑफ इट। इट मीन्स आप अपने पेंट पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक, वो गलती से आपसे गलत हो गया, आप चाहते हो कि हम उसे इरेज कर दें, फिर आप सोचते हो हम कैसे इरेज करें, हमें तो पता नहीं है कि हम पेंट पे कैसे इरेज कर पाएंगे, कॉपी पे हम करते तो हम पेंसिल इरेजर ये सब लेके अपना बैठते तो हम वैसे इसको इरेज कर सकते हैं।
तो आप वो वर्क अपने पेंट पर भी कर सकते हो। जब आप इरेजर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो आपका माउस पॉइंटर पेंसिल की शेप में बना तो वो इरेजर की शेप में बन जाएगा। तो आपकी ड्राइंग जहाँ गलत हुई रहेगी आप उसे इरेज करोगे, फिर चाहते हो आपकी हम फिर से पेंसिल की हेल्प से उसे ड्रॉ करें तो आप वापस जाके पेंसिल पर क्लिक करोगे तब आपका इरेजर चेंज होकर पेंसिल की शेप में आएगा, तो फिर आप अपना ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा फील विथ कलर। फील विथ कलर क्या होता है कि फील अब आप क्लोज एरिया विद कलर। इट मीन्स आपने ड्रॉ पेंट ओपन किया, ठीक, वो पहले व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है, अच्छा से नहीं दिख रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हो कि वो कलरफुल हमारा हो जाए, तो आप जब फील विद कलर जैसे बल्टी जैसे ये जो बना है आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका जो पेंट ओपन हुआ है जहाँ व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है वो कलरफुल सा हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, तो टू टाइप टेक्स्ट इन अ ड्राइंग। इट मीन्स आपने ड्राइंग बनाया है, आप चाहते थे उस पर हम अपना नाम लिखे, आप सोचते थे हम कॉपी पर अगर करते तो हम इजीली अपना नाम लिख सकते थे, बट हम इसको पेंट पे कैसे कर सकते, हम इसे पेंट पर भी लिख कर सकते हैं। बच्चे देखिए ऐसे ए हमारे टूल्स में बना रहेगा वो है हमारा टेक्स्ट। इट मीन्स टू टाइप टेक्स्ट इन द ड्राइंग, आपने जो ड्राइंग की है आप वहाँ पे कुछ लिख सकते हो। इट मीन्स अपना नेम वगैरह आपको जो भी लिखना है आप उसे लिख के भी सेव कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ये देखिए ये ड्रॉप जैसा बना हुआ है कलर पिकल। कलर पिकल क्या होता है, टू कॉपी अ कलर फ्रॉम अ ड्राइंग। इट मीन्स आप जो पॉइंट पॉइंट वाला कलर होता है आप चाहते हो हम वैसा करें तो आप कलर पिक्सल की हेल्प से वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या होता है कि ये देखिए ये दिखाया है ना आपको कि मैग्नीफायर आ ड्राइंग। इट मीन्स आपने कुछ ड्रॉ किया है अपने पेज पे, आप चाहते हो कि हम उसे बहुत जूम करके देखें तो आप मैग्नीफायर की हेल्प से उसे बहुत जूम करके देख सकते हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या हमारा सेविंग अ ड्राइंग इन एमएस पेंट। इट मीन्स हमने एमएस पेंट पे बहुत सारे वर्क कर लिए, उसमें कई सारे के हमने शेड्स बना लिए, कलर्स कर लिए, अब हम चाहते हैं कि हम अपने वर्क को उससे सेव कर दें ताकि हम जितने टाइम बाद उसे ओपन करें वो हमें दिखे। फर्स्टली आइए देखते हैं लिखा क्या है। राहुल हैज ड्रॉन अ स्टार इन पेंट। राहुल ने पेंट पे स्टार ड्रॉ किया। ही मदर Ask him to save the file for later use. He followed this step. It means उसकी मम्मी कह रही है बेटा इस फाइल को आप सेव कर दो ताकि बाद में आपको अगर उस फाइल की ज़रूरत हो जो आपने ग्रीटिंग ड्रॉ बनाई है आप पेंट पे, आप चाहते हो कि हम बाद में उसको फिर से ओपन करके कुछ उसको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स ऐड कर दें या डिज़ाइन ऐड कर दें, हम वो करना चाहेंगे तो आप कर दोगे पेंट पे। आप जो भी ओपन करोगे पेंट क्या आप MS Word, आप जिस पे भी जो भी आप सेव करोगे अपने कंप्यूटर पे आप बहुत टाइम बाद भी जब उसे ओपन करोगे तो आप देखोगे कि वो आपको कंप्यूटर पे आपके सेव मिलता है। आइए हम इस स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ही क्लिक्स ऑन द फाइल मेन्यू। उसने पहले फाइल मेन्यू, ये देखिए ये फाइल लिखा हुआ है ना, जब हमारा पेंट ओपन रहता है तो ऊपर फाइल होम टैब ये सब लिखे रहते हैं, उसने जब फाइल पे क्लिक किया तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन ओपन होके आए। पहला है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, सेंड इन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट, एग्जिट। हमें क्या करना है, हमें अपनी ड्राइंग को सेव करना है तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, ही देन क्लिक ऑन द शेप ऑप्शन। आप जब सेव पे क्लिक करोगे तो द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आया है जिसमें आप अपना नेम मेंशन करके उसे सेव कर सकते हो। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ। ही मदर्स हेल्प हिम सिलेक्ट द लोकेशन वेयर ही वांट टू सेव द ड्राइंग इन द फाइल नेम बॉक्स। ही टाइप अ फाइल नेम। देखिए जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने ऐसे ऑप्शन ओपन होके आएंगे। फाइल नेम में लिखा रहेगा अनटाइटल्ड। इट मीन्स आप इसको बैक स्पेस की हेल्प से इरेज करके इसमें आप अपना नेम मेंशन कर सकते हो। बैक स्पेस की का क्या यूज होता है, हमने आपको आपके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था। आप यहाँ से अपना नाम मेंशन कर सकते हो बैक स्पेस की से अनटाइटल को हटा के अपना नाम लिख के क्लिक, जब सेव पे क्लिक करोगे तो आपका ड्रॉइंग अब सेव हो जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि हम उसे डेस्कटॉप पे सेव करें तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे,
अपना नेम मेंशन करना चाहते हो या फाइल का कुछ भी आप नेम मेंशन करना चाहोगे, आप वो लिख के सेव पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। देखिए, ही फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन। जब उसने नेम मेंशन कर लिया, उसने आपको जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना था, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, सेव कर दिया, तो हमारा हमने जो ड्रॉ किया था वो हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो गया। राहुल ऑब्जर्व दैट दे आर टू ऑप्शन, सेव एंड सेव एज अंडर द फाइल मेनू। ही आस्क्ड हिज मदर हाउ आर दिस टू ऑप्शन डिफरेंट। द सेव एज ऑप्शन इज यूज टू सेव अ फाइल विथ अ डिफरेंट नेम फ्रॉम इट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फाइल नेम, a file by a name of paint 1, by the name of paint 1, and now you want to save it with another name, you can use the save as option. The save as option is used to make change in the already saved file. For example, if you make change to the file paint 1, you can use the save option to save the file. Replies Rahul's mother. Replies Rahul's mother. It means Rahul अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा इसमें तो दो ऑप्शन दिए हुए, एक है सेव और दूसरा है सेव एज समथिंग। आपने एक बार सेव करके दिया, ठीक, फिर आप अपनी फाइल ओपन करके उसको फिर से उसमें कुछ वर्क करते हो, फिर आप चाहते हो कि हम उसे फिर से सेव कर दें, तो आप जो सेव एज पे क्लिक करोगे, आप चाहते हो हम अपने पहले नाम से ही उसे सेव करेंगे, तो आप जो पहला नाम ही डाल के उसे सेव पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी फाइल नहीं सेव होगी, क्योंकि सेम नेम से फाइल नहीं सेव हो पाती है। समथिंग आपने जैसे पेंट वन डाल के पहले फाइल अपनी सेव की थी, तो आप दूसरा वाला क्या करोगे, पेंट टू डाल के जब सेव करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओपनिंग अ सेव्ड ड्राइंग। इट मीन्स हमने पेंट में कुछ किया, उसे सेव किया, ओपन किया, हमने सब कुछ किया, सेव किया हमने, उसमें कई सारे ब्रशेस यूज किए, सब कुछ यूज किए, अब हम चाहते हैं हम अपनी फाइल को सेव कर दिए, एक बार हम उसे फिर से ओपन करके देखते हैं कि हमारी फाइल ओपन हो रही है या नहीं, हमारी फाइल सेव हुई है कि नहीं। ओपनिंग अ सेव्ड ड्राइंग, How can I open the save drawing? Rahul asks his mother. She explains the steps to him and he follows them. Rahul अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मैं अपनी सेव फाइल को दोबारा कैसे ओपन कर सकता हूँ। उसकी मम्मा उसे ये स्टेप्स बताती है। She clicks on the file menu. He then select the ओपन ऑप्शन, मीन्स उसने फिर से फाइल मेन्यू पे क्लिक किया। जब आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया था तो हमने आपको दिखाया था सेव एज वाला ऑप्शन, ठीक, फिर उसने सेव एज वाला ऑप्शन, देखिए जब हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया था तो हमने आपको बहुत सारे ऑप्शन उस पर दिखाए थे, सेव एज, ओपन, क्लोज, हमने ये सारे ऑप्शन दिखाए थे। उस पर से ही फाइल मेन्यू पे ही क्लिक करके हम ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फाइल ओपन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, इट मीन्स आपने जब ओपन पर क्लिक किया तो आप देखो ऐसे ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। जब हम सेव करने के लिए खोलते हैं तो यहाँ फाइल नेम में लिखा रहता है अनटाइटल्ड, बट आप जब ओपन पर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन होके आएंगे और यहाँ कोई नेम मेंशन नहीं रहेगा। जब आप यहाँ पे नेम मेंशन करके ओपन पे क्लिक करोगे तो जिस फाइल नेम से आपने अपनी फाइल को क्लोज सेव किया था वो ओपन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्लोजिंग एमएस पेंट, इट मीन्स हमने पेंट पे ड्रॉ किया, क्लोज किया, सेव किया, उसको कई सारे ड्राइंग्स किए, मतलब डिफरेंट टाइप के शेप्स भी बनाए, अब हम बोर्ड हो गए, अब हम चाहते हैं उसे क्लोज कर दें, तो आइए देखते हैं क्या करना है। After Rahul he finished working on paint, he wants to close it. His mother tells him to click the file menu and select the exit option. It closes MS Paint. It means आपको फिर file option को ही click करना पड़ेगा। जब आप file option को click करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमें सबसे नीचे side पे exit का option मिलेगा, तो आप फाइल पे क्लिक करोगे, एग्जिट पे क्लिक करोगे तो आपका पेंट
बंद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या समझा, पेंट कैसे ओपन करते हैं, पेंट में हम डिफरेंट टाइप के शेप कैसे बना सकते हैं, उसे हम शेप कैसे कर सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं, हमने ये सब सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।